साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन स्टडी 1.0 पर। आज की वीडियो में हम आपको जीने की वायरिंग के बारे में हम सिखाएंगे। जीने की वायरिंग को सीडी की वायरिंग बोलते हैं और स्टेयरकेस की वायरिंग बोलते हैं। जीने की वायरिंग के लिए अपन को टू वे स्विच चाहिए। ये दो टू वे स्विच चाहिए जो कि आपको इस प्रकार से दिख रहे हैं। इस टू वे स्विच में तीन टर्मिनल्स होते हैं। ये टर्मिनल्स पीतल के बने होते हैं और ये जो स्विच होता है वो बैकलाइट का बना होता है। इस तरह से अपन को दो दो टू वे स्विच चाहिए और एक अपन को चाहिएगा लैंप होल्डर। ठीक है, तो इसके किस तरह से अपन को जीने की वायरिंग करेंगे उसको आराम से समझेंगे। ये अपना लैंप होल्डर हो गया, ये दो टू वे स्विच हो गए। टू वे स्विच के जो ये टर्मिनल्स होते हैं, ये अपर वाले टर्मिनल्स, ये डाउन वाले टर्मिनल्स, ये बीच का टर्मिनल्स होगा। अब इसके कनेक्शन किस तरह से करेंगे देखो दोस्तों, मैं कुछ वायर्स इस तरह से ले लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इधर ये जो अपना टू वे स्विच लिया, इसके ऊपर वाले जो टर्मिनल्स है इसको मैं खोल लेता हूँ इस तरह से, और ये वायर इसमें डाल दिया मैंने। ऊपर वाला टू वे स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से मैंने डाल दिया और इसको टाइट कर दिया इस तरह से। ये टू वे स्विच है। दूसरे टू वे स्विच का जो होगा उसका जो ऊपर वाला जो सिरा होगा, ऊपर वाला जो टर्मिनल्स होगा, उसमें भी मैं इस तरह से ये वायर डाल दूंगा। इस तरह से इसको मैं टाइट कर दूंगा। ये देखिएगा, ये टू वे स्विच था, ये टू वे स्विच था। इन दोनों टू वे स्विच के ऊपर ऊपर वाले जो टर्मिनल्स हैं उनको मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से ये दूसरा वायर लूंगा मैं, दूसरा वायर लेकर के इस टू वे जो स्विच है इसके नीचे वाला टर्मिनल्स है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसके नीचे वाले टर्मिनल्स में क्या करूँगा, एक वायर और कनेक्ट कर दूंगा इस तरह से, और उसको मैं टाइट कर देता हूँ। इसके बाद क्या करेंगे अपन, इस तरह से ये टू वे स्विच है, ऊपर वाले टर्मिनल से जोड़ दिया एक वायर, नीचे वाले टर्मिनल से जोड़ दिया। नीचे वाले टर्मिनल का जो वायर जोड़ा था दूसरे जो टू वे स्विच होते हैं, दूसरा जो टू वे स्विच है वो नीचे वाले से ही जोड़ेंगे। इस तरह से अपन उसको टाइट कर देंगे, इसके टर्मिनल को अपन टाइट कर देंगे। फिर से देखो दोस्तों, दो टू वे स्विच लिए थे अपन ने, ऊपर वाले जो टर्मिनल्स थे ऊपर वाले से जोड़ दिए और नीचे वाला टर्मिनल्स नीचे वाला। अब इनका बीच बीच का टर्मिनल्स बचा हुआ है। इधर से देखो, इधर वाला बीच वाला टर्मिनल्स है, लैंप होल्डर है, उसके दो वायर्स होते हैं। लैंप होल्डर का एक वायर होता है, इस वाले जो जो अपना जो टू वे स्विच है उसके बीच वाले टर्मिनल से अपन कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से अपन क्या कर देंगे, इसके कनेक्ट कर दिया और इसको टर्मिनल्स को अपन ने टाइट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, देखो दो टू वे स्विच लिए थे, उनके ऊपर वाले टर्मिनल्स को ऊपर वाले टर्मिनल से जोड़ दिया, नीचे वाले टर्मिनल्स को नीचे वाले टर्मिनल से जोड़ दिया। टू वे स्विच का बीच वाला टर्मिनल्स है, लैंप होल्डर के एक वायर से दे दिया। लैंप होल्डर का दूसरा वायर अपन ने रख लिया है सप्लाई के लिए। इधर से अपना जो टू वे स्विच है इसका जो बीच वाला जो टर्मिनल्स है इसको अपन ने खोला और इसमें से एक वायर और अपन ने जोड़ दिया, और ये वायर कुछ इस तरह से अपन ने कनेक्ट कर दिया। इस तरह से बीच वाले टर्मिनल्स में अपन ने जोड़ दिया है और इसको भी मैंने टाइट कर दिया। अब एक बार फिर से देखेंगे अपन, मैंने क्या किया, दो टू वे स्विच ले लिए। दो टू वे स्विच लेने के बाद टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल्स जो दो हैं उनको एक वायर से जोड़ दिया, और इसी तरह से नीचे वाले टर्मिनल्स को नीचे वाले टर्मिनल से जोड़ दिया, और टू वे स्विच का जो बीच वाले टर्मिनल्स है उसको लैंप होल्डर के एक वायर से जोड़ दिया, और लैंप होल्डर का दूसरा वायर सप्लाई के लिए मैंने रख लिया है। इसी तरह से ये जो टू वे स्विच इसका दूसरा वायर से बीच वाले टर्मिनल्स से एक वायर निकाल करके ये सप्लाई के लिए जोड़ दिया। इस तरह से मैंने इसके पूरे कनेक्शन कंप्लीट कर लिए। इस कनेक्शन को मैंने आपको एक पेज में भी आपको मैं बता देता हूँ। ये कनेक्शन जो है, ये जो सारे कनेक्शन हैं वो इस प्रकार से मैंने कर रखे हैं। ये अपना लैंप होल्डर है, ये वाला जो क्या है लैंप होल्डर है, इसके दो वायर्स थे, एक ये वायर निकल गया न्यूट्रल का वायर, और दो जो दूसरा जो तार था लैंप होल्डर का दूसरा तार था वो अपने टू वे स्विच जो था उसके बीच वाले टर्मिनल से अपने बीच वाले टर्मिनल से मैंने जोड़ दिया है। जो अपने टू वे स्विच ऊपर वाले टर्मिनल को ऊपर वाले से जोड़ दिया है, नीचे वाले टर्मिनल को नीचे वाले से जोड़ दिया, बीच वाले जो टर्मिनल से फेस जोड़ दिया। देखो दोस्तों, नीचे वाले टर्मिनल को नीचे वाले से जोड़ दिया, नीचे वाले को नीचे वाले से, और ऊपर वाले टर्मिनल को ऊपर वाले से जोड़ दिया। इधर का जो टर्मिनल है टू वे स्विच का बीच वाला, उसको लैंप होल्डर से मैंने जोड़ दिया है। लैंप होल्डर का दूसरा टर्मिनल मैंने सप्लाई के लिए निकाले, जिसको मैंने न्यूट्रल से दर्शा रखा है। अब इधर जो टू वे स्विच है उसका बीच वाला टर्मिनल है उसको मैंने फेज वायर के लिए जोड़ दिया। अब इसके बाद ये अपना सर्किट डायग्राम तैयार कंप्लीट हो गया है। इसका सर्किट डायग्राम का डायग्राम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक इसका अलग से शॉर्ट भी दे दूंगा। अब इसको अपन लैंप को इससे जो सर्किट डायग्राम तैयार किया, इसको लैंप लगा करके इसको सप्लाई दे करके अपन आपको कनेक्शन भी करके पूरा कंप्लीट आपको ऑपरेट करके दिखाऊंगा दोस्तों। ये मेरे पास एक लैंप है, इसको मैंने लैंप होल्डर में डाला। अब इसके बाद मैं इसको सप्लाई दे करके आपको ऑपरेट करके दिखाऊंगा। ये देखो, लैंप होल्डर का एक टर्मिनल और टू वे स्विच का एक टर्मिनल मैंने डाला और इस तरह से मैंने
इसमें लगा दिया। एक मिनट दोस्तों, अब देखो दोस्तों, जैसे ही मैं सीडी के बारे में इस स्विच को ऑन करता हूँ, लैंप मेरा ऑन हो जाता। दूसरे जैसे मैं सीडी को छत के ऊपर जाऊँगा, इस स्विच को मैं दबाऊंगा, लैंप मेरा ऑफ हो जाता। वापस से आऊँगा तो लैंप देखो, इस तरह से मेरी सीडी की वायरिंग सक्सेस हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।